धन्यवाद निखिल भैया मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। तो आज का जो विषय मेरे तरफ से हो सकता था सुझाया वो है सांस्कृतिक एकता, कल्चरल यूनिटी। पहले मोटी मोटी बातें जो सबको पता होती हैं, लेकिन बात की शुरुआत करने से पहले इन बातों का उल्लेख करना एक भूमिका प्रदान करेगा कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने लगभग सभी भाषणों में इस बात का उल्लेख करते हैं कि भारत में कई सारी भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, भोजपुरी, अवधी, कई सारी भाषाएं हैं। उत्तर पूर्व की कई सारी भाषाएं हैं, बोडो है, असमिया है, त्रिपुरी है। तो ये सारी भाषाएं हैं, कई सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, कई सारे प्रजाति और जो रेसेस हैं यहाँ पर रहती हैं, जैसे मंगोलाइड प्रजाति हो गई, निग्रेटो प्रजाति हो गई, और अलग अलग रंग के लोग भी पाए जाते हैं, काले, गोरे, पीले रंग के पाए जाते हैं। सबका खान पान अलग अलग है। कुल मिलाकर के हमारे देश में जो भी कल्चरल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, जैसा कि कक्षा 6 की NCERT की पुस्तक में लिखा हुआ है इसके बारे में कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो इतनी बड़ी जो डाइवर्सिटी है इसका हम लाभ उठा सकते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल में। मेन मुद्दा ये है कि कैसे हम डाइवर्सिटी का यूज़ अपने उत्थान के लिए कर सकें। तो जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने शायद पिछले साल ये बात कही थी कि हम जो भारत की इतनी सारी भाषाएं हैं उसमें से लगभग सभी भाषाओं के 10-20 शब्दों को हम सीखें और उनको अपने दैनिक चर्या में बात करते वक्त उनका उपयोग करें। हरियाणा के, पंजाब के जो शब्द हो सकते हैं शुरुआत में, जो उत्तर भारत में रहने वाले लोग हैं तो वो जो उत्तर भारतीय भाषाएं हैं उसमें से प्रचलित जो शब्द हैं उनको यूज़ करके अपने इफ़ेक्टिव स्पीकिंग को हम बना सकते हैं। तो ये तो था एक कम्युनिकेशन के लेवल पर कैसे हम दूसरी भाषाओं का यूज़ कर सकते हैं और इससे हमारा जो आत्मविश्वास होता है वो भी बढ़ता है और सामने वाले को भी अच्छा महसूस होता है कि आप में केवल वही ज्ञान नहीं है जो आपको बचपन से मिला है, बल्कि आप विविध प्रकार के ज्ञान को लेने का और उसको यूज़ करने का प्रयास करते हैं। तो ये सामने वाले को अच्छा प्रभाव डालता है, और जब आप दूसरे की आंखों में अपने प्रति सेटिस्फेक्शन वाला भाव देखते हैं तो आपको खुद में अच्छा महसूस होता है और ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जैसे आप अपने सामने वाले से बात कर रहे हैं, वो हरियाणा का है या जहाँ कहीं का भी है, तो अगर आप उसके कल्चर से रिलेट करते हुए बातों को रखें तो उसको भी अच्छा आभास होता है, वो आपसे कनेक्ट हो पाता है। और जब आप किसी से अपना जो मेंटल कनेक्शन होता है इसको बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे ग्रुप में ही एक व्यक्ति हैं अब्दुल करके, जो कि पाकिस्तान के हैं, आपने भी शायद, आप लोग भी शायद उनसे कभी बात किए हों, तो वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के हैं। अब अगर उनसे सही प्रकार से संवाद स्थापित करना है तो इसके लिए आपको बलूचिस्तान के बारे में चीज़ें पता हों, कि बलूचिस्तान सामान्य जानकारी पता हो, वैसे भी पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक दक्षिणी प्रांत है, एरिया वाइज बड़ा है, वो भारत के राजस्थान से लगता हुआ राज्य है, वहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो सोशल इंडेक्सेस हैं वो काफ़ी नीचे हैं, वहाँ के लोगों का रोज़गार का स्तर काफ़ी नीचा है, लोगों का जो इनकम है वो भी कम है। तो बेसिक बातें अगर आपको पता है वहाँ के बारे में और उनके कल्चर क्या हैं, त्यौहार क्या हैं, खान पान क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं, तो आप उनसे सही से संवाद स्थापित कर पाएंगे और इससे मेरे ख्याल से हमारी कम्युनिकेशन स्किल में इजाफा हो सकेगा। तो यही मुद्दा था जो मैं बताना चाह रहा था। धन्यवाद निखिल जी। और मुगल आक्रमणकारी जो भी आए वो भारत की संस्कृति को परिवर्तित करने का प्रयास किए। तो इसमें जो
इस ये सब बातें जब बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि भारत पर हमला हुआ है। लेकिन एक चीज़ सोचना चाहिए कि एक राष्ट्र होता है, एक राज्य होता है। ये तो बड़ा बहुत लंबा बहस हो जाएगा, तो मैं इस पे अभी जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है। कुल मिलाकर के निष्कर्षता यही है कि जो लास्ट में कहा आपने कि चेंजेस होते रहते हैं और वो चेंजेस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है। और एसिमिलेशन पावर जो है इंडिया के कल्चर में वो बहुत ज़्यादा है, और इसको मेंटेन रखा जाए तो अच्छा होगा। बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन अब समय का अभाव है तो कल इसको रखेंगे। और एक राय मेरी तरफ